गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो सीए इंटरमीडिएट के ऑडिट रिवीजन शेड्यूल में आज हम लोग बात करने वाले हैं एनालिटिकल प्रोसीजर पर, जो आप लोगों के स्टडी मेट के हिसाब से भी और आपके कोर्स मटेरियल के हिसाब से आपका चैप्टर नंबर 8 है, जो एसए 520 को कवर करता है। तो इस पर हम एक रिविजन जो है, थोड़ा सा फास्ट रिविजन जो है, ओवरव्यू आप इसको कह सकते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट इस बार एग्जाम के लिए हो सकता है, उस पर हम थोड़ा सा अलग तरीके से इसमें बात करने वाले हैं। तो बहुत सिंपल सी बात हमारी है, आप लोगों को पता है कि ऑडिट के जो प्रोसीजर्स हमारे यूज होते हैं, जिनमें हम लोग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और कंप्लायंस प्रोसीजर अगर लगा चुके हैं, तो हमारे पास एक कंसेप्ट और आता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का। अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर में हमारे पास में दो चीजें रहती हैं, एक हमारे पास में है टेस्ट ऑफ डिटेल, दूसरा हमारे पास में है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ डिटेल जहां पे आप वाउचिंग और वेरिफिकेशन करते हो, बराबर, तो उसी सब्सटेंटिव प्रोसीजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनालिटिकल प्रोसीजर। तो सबसे पहले तो एकदम थोड़ा सा अलग स्टाइल से बात करते हैं, क्या है एनालिटिकल प्रोसीजर, यानी कि इसका मीनिंग। तो ऑल द मिस्टेक और मैनिपुलेशन कैन नॉट बी डिस्क्लोज बाय रूटीन चेक। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद वाउचिंग वेरिफिकेशन या टेस्ट ऑफ कंट्रोल से हमारी पकड़ में नहीं आएंगी। सो सर्टेन अदर प्रोसीजर लाइक, आज बात आप देखें, दो वर्ड अपन यहां पे लिए हैं, ट्रेंड एंड रेशियो एनालिसिस ऑल्सो हैव टू बी अप्लाइड और दे आर कॉल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर। सिंपली तो हमने कहा कि सर ये क्या है भाई, ऑडिट प्रोसीजर का ही एक पार्ट है, और जहां हमको लगता है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने हैं, वो कब लगाने होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि कितना सब्सटेंटिव लगाना है। उसमें भी हमको देखना पड़ेगा क्या कॉम्बिनेशन रखना है अपने को, वाउचिंग वेरिफिकेशन का और साथ में एनालिटिकल प्रोसीजर्स का, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर। आगे मैंने लिखा ये ट्रेंड और रेशियो एनालिसिस क्या है, कैसे काम करते हैं, डोंट वरी, इसी चैप्टर में हम आगे इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर भी बात करने वाले हैं। चलिए जी, अब हमने कहा सर ये तो सिंपल मीनिंग हो गया, क्या इसका कोई लीगल मीनिंग है, क्या कोई डेफिनेशन है क्या? बिल्कुल, एसए 520 में इसका डेफिनेशन भी है, आइए सीख लेते हैं क्या है एनालिटिकल प्रोसीजर। देखो वर्ड एनालिसिस करना किसी भी चीज का, जो बहुत कॉमनली अपन यूज करते हैं, इवेल्यूशन करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, हमारे पास में जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ रही है, जो भी इंफॉर्मेशन अजर्शन हमारे पास में है, उनका हम एक इवेल्यूशन करते हैं। खास बात, इस बार हमारा इवेल्यूशन जो होगा वो एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप। तो पहला इंपॉर्टेंट वर्ड जो यहां पे यूज हमारा होता है ना, वो समझिएगा, यहां हम देखते हैं रिलेशनशिप को, है ना, दो जो आइटम्स या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास में है उनके बीच का रिलेशन, और सेकेंड नंबर पे फिर कई बार हम यहां पे करते हैं कंपैरिजन, बराबर। तो दो बातें हमारे पास में हो जाएंगी, एक हमारे पास में सीधा सीधा सा हो गया रिलेशनशिप, दूसरे नंबर पर हम यहां पे करने वाले हैं कंपैरिजन, बराबर, सिंपल सी बात हो गई। तो अब हमने कहा कि सर ये कंपैरिजन और रिलेशनशिप क्या है, बिल्कुल अभी बात करने वाले हैं। पहले डेफिनेशन मेरे साथ देख लो, इवेल्यूशन करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का थ्रू एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा, ठीक है। तो आपको एकदम सिंपली अगर बताऊं, तो आप लोगों ने अपने एफएम वाले पोर्शन में रेशियो एनालिसिस जो वर्ड पढ़ा हुआ है, तो वहां पे वर्ड एनालिसिस, और वही हम यहां पे कर रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। तो हम यहां पे पहले क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप सेट करते हैं। सर कैसे करते हैं, हम एक रिलेशनशिप बनाते हैं जीपी की और साथ में हम बना लेते हैं सेल्स की, जिसको आप लोग जीपी रेशियो कहते हो। हम एक रिलेशनशिप ले लेते हैं डेब्ट की, साथ में ले लेते हैं इक्विटी की, ये अपना मैटर था रिलेशनशिप का, बराबर। और जब इन दोनों का रिलेशनशिप निकला, मतलब आपने निकाल लिया अपना जीपी रेशियो, समझ रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 करके आपने जीपी रेशियो निकाला, इसको हम कंपेयर करते हैं। दो बातें, एक तो रिलेशन सेट किया पहले, जीपी का सेल्स के साथ में कनेक्शन है, डेब्ट का इक्विटी के साथ में है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का सेल्स के साथ में हो सकता है, बराबर। ये कंपैरिजन सेट, ये रिलेशनशिप सेट करके हमने कुछ रेशियोज निकाले, और देन उसका कंपैरिजन आपको कर देना है। कहां कहां पे कंपैरिजन करना है पहले समझिएगा, कंपैरिजन करना है क्लाइंट और इंडस्ट्री डेटा का। सपोज करिए आप किसी सीमेंट फैक्ट्री का ऑडिट करने के लिए चले गए हैं, और वहां आपने जीपी रेशियो, मान लीजिए 1920 का कुछ जीपी रेशियो आपने निकाला उस साल का, जिस साल की आप ऑडिट कर रहे हैं, उसको कंपेयर किया आपने उसी इंडस्ट्री की कोई दूसरी एंटिटी जो सेम इक्विपमेंट रखती है, सेम उनका नेटवर्क हमारा सेम है, और सेम तरीके से वर्किंग कर रही है, उससे हम कंपेयर करके इसको देखने वाले हैं,
ठीक है। अच्छा, क्लाइंट का जो हमारा डेटा है उसको सिमिलर प्रायर पीरियड के डेटा से यानी 1920 को 1819 से कंपेयर करके देखो कि कहाँ फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्लाइंट के इस डेटा को आप क्लाइंट डिटरमाइन एक्सपेक्टेड रिजल्ट, क्लाइंट ने क्या अपना फोरकास्ट करके रखा हुआ है उससे आप कंपेयर करके देखिए कहाँ वेरिएशन आ रहे हैं। सेम उसी तरह से ऑडिटर ने भी कुछ डिटरमाइन एक्सपेक्टेड डेटा बना रखा होगा, उससे आप कंपेयर करके इसको देख सकते हैं। तो हमने कहा सर ये कंपेरिजन करना क्यों है, देखिए वाउचिंग वेरिफिकेशन करने से सिर्फ जो एंटिटी की एंट्रीज वहां पे हैं, जो ट्रांजेक्शन वहां पे हैं, वो प्रॉपर हैं कि नहीं है ये आपको पता लग जाएगा, ठीक है। लेकिन रेशियो एनालिसिस या एनालिटिकल प्रोसीजर बनाने से या देखने से हमको पता लगेगा कि फ्लक्चुएशंस कहाँ हैं, क्या होना चाहिए था और क्या एक्चुअल के अंदर है, और अगर उनमें कोई गैप है तो कहीं फ्रॉड और एरर के चांसेस तो नहीं हो गए, इस वजह से हमको एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज में लेने पड़ते हैं। बहुत आसान सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर एक वर्ड आया था फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा, दोनों चेक करो। जैसे सैलरी का अमाउंट, अब मैंने कहा था रिलेशनशिप, तो हम रिलेशनशिप बनाते हैं सैलरी का और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का एक रिलेशनशिप है ना। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो हमारा नॉन फाइनेंशियल डेटा हो गया, सैलरी जो कि अमाउंट के अंदर आती है ये हमारा फाइनेंशियल डेटा हो गया। सेम उसी तरह से सेल और सेल की यूनिट्स, समझ रहे हैं, तो यूनिट नॉन फाइनेंशियल डेटा हो गया, सेल चूंकि मॉनेटरी टर्म्स में है तो ये फाइनेंशियल डेटा हो गया। तो हम ये कंपैरिजन भी यहां पे करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। अच्छा, कई सारी चीजों को प्रिडिक्ट करने में भी ये काम आता है, इसमें सारा काम प्रिडिक्शन का है। कैसे होता है, एक सिंपल एग्जांपल आपको मैं पहले बता दूं ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि एनालिटिकल में हम कर क्या रहे हैं। सपोज करिए मैं एक एंटिटी का ऑडिट के लिए गया और वहां पे लगभग 1000 एम्प्लॉय जो है वो काम करते हैं, बराबर। तो वहां पे उस एंटिटी में हमने देखा कि टोटली 1000 एम्प्लॉयज जो हैं वो हमारे वहां पे काम कर रहे हैं। चलिए जी ये वापस आ गए हम लोग, यहाँ पे 1000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और मुझे 1000 एम्प्लॉयज का सैलरी जो है वो बेसिकली चेक कर रहा है, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल डेटा ये। अब मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि लगभग लगभग सारे, मैंने चेक किया कि सारे एम्प्लॉयज का जो सैलरी है वो लगभग 9 से 10 हजार के बीच में है सबका ही, ठीक है। तुम्हें सबका चेक करूं उससे बेटर है कि मैंने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का रजिस्टर देखा, मुझे पता लग गया कि भाई 1000 एम्प्लॉय है, एवरेज सबका 9 से 10 हजार के बीच में है, तो मैंने मान लीजिए 10 हजार का फिगर पकड़ लिया और 1000 एम्प्लॉयज को 10 हजार से मल्टीप्लाई करके देख लिया कि मोटा मोटी इतना सैलरी इनके वहां पे शो होना चाहिए डेबिट साइड में। अब मैंने चेक किया तो थोड़ा सा बट ऑब्वियस है फ्लक्चुएशन होगा, तो थोड़ा फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे है, लेकिन मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये जो अमाउंट इन्होंने लिखा है बिल्कुल करेक्ट है और मुझे सारे 1000 एम्प्लॉयज के सारे वाउचर्स को चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ये भी एक ऑडिट का इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जो अपने को ध्यान में रखना होता है, ठीक है ना। भाई एक यूनिट का सेल रेट कितना है, उससे टोटल सेल कितना हुआ, ये मैं पता लगा सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर। तो आपको रिलेशनशिप सेट करनी है पहला काम, उससे कई चीजें पता लगेंगी। दूसरे काम में हम कई बार इसको कंपैरिजन करके पता लगा लेंगे कि कहीं कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये सब कर लिया, इसके बाद क्या, इफ सम फ्लक्चुएशन विच आर इनकंसिस्टेंट विद द अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज, जितना हम सोच रहे थे, मुझे पता लगा कि एम्प्लॉयज का सैलरी 1000 × 10,000 के हिसाब से जो है उतना होना चाहिए, अब उसमें एक बड़ा गैप दिख रहा है या तो अपर साइड में लोअर साइड में, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि अच्छा इसका मतलब कहीं कुछ प्रॉब्लम है, वो मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात हमारी होगी, तो देन उसके बाद मैं इन्वेस्टिगेट उसको कर लूंगा। तो कई चीजों का हम पता इसी तरीके से लगा लेते हैं और अगर कोई बड़ा मेजर वेरिएशन दिखेगा तो फिर मुझे उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, डिटेल उसको चेक करना पड़ेगा, इतनी सी हमारी बात है। चलिए जी, अब हमने कहा भाई इसका पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हो ये, वैसे मैं आपको बता चुका हूं हमेशा की तरह, टू ऑब्टेन रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस व्हेन यूजिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर और टू डिजाइन एंड परफॉर्म, ये ऐसे बनाने के पीछे पर्पस क्या। अब चूंकि 500 के जितने भी ऐसे हैं उनमें फिक्स रखिए टू ऑप्टेन, अगर आप पूरा नहीं लिखे सीधा इतना भी लिख दे टू ऑप्टेन सफिशियंट एंड रीजनेबल ऑडिट एविडेंसेस, क्योंकि ऐसे 500 का पूरा जो सीरीज है वो बात करता है एविडेंसेस के मेथड्स के ऊपर ही कि कैसे हम एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। तो टू डिजाइन एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर नियर द एंड ऑफ ऑडिट दैट असिस्ट द ऑडिटर व्हेन फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन एज टू वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट विद द ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। तो अल्टीमेटली अगर कुछ भी नहीं समझते हैं आप इसमें या इजी लिखना चाह रहे हैं इसके अंदर, मतलब इसको आपको लगता है सर पर्पस या ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट हम किस तरह से फ्रेम करेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान तरीका है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस सफिशियंट एंड रीजनेबल एश्योरेंस सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर
गिविंग टू एंड फेयर व्यू और नॉट, बराबर। तो सी वाली जो एसेट 200 का हमारा पार्ट था उससे हमने दो पार्ट निकाल लिए। सबसे पहला टू ऑब्टेन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, सेकेंड नंबर क्यों कर रहे हो ये, टू फॉर्म एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। वो चीजें जो है वो यहां पे हम एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्ट यही है कि हम बता पाएं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं, और उसके लिए हमको एविडेंसेस चाहिएंगे सफिशियंट और अप्रोप्रिएट वाले, और उसके लिए हम ऐसे 520 को एक प्रोसीजर की तरह से काम में लेते हैं। क्लियर मैटर? अब कब करना चाहिए आपको ये एनालिटिकल प्रोसीजर, कब लगाने चाहिए आपको, हर स्टेज पे लगा सकते हैं आप, है ना। जब आप प्लानिंग कर रहे होंगे स्टार्टिंग के अंदर, तो प्लानिंग फेज के अंदर आप इसको काम में ले सकते हैं। स्टार्टिंग में जब आप एनडी वगैरह के बारे में डिसाइड कर रहे हैं तो भी, जब आपका टेस्टिंग फेज है, जब आप आरओएमएमएस पता लगा चुके हैं उस पर काम कर रहे हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, और जब फाइनली जब आप कंक्लूजन निकाल रहे होंगे, जब सारी चीजें हमारे पास में आ गई हैं, फाइनल कंक्लूसिव स्टेज पे हम पहुंच रहे हैं, तब भी हम एनालिटिकल प्रोसीजर जो एनालिसिस का काम है हमारा वो कर सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब वही बात जो आपको मैंने कही थी, इसको क्यों यूज करना, कैसे यूज करना, सिंपल सी चीजें देखो। द ऑडिटर सब्सटेंटिव प्रोसीजर एट द अजर्शन लेवल मे बी, अब जैसा आपको मैंने कहा सब्सटेंटिव प्रोसीजर में दो चीजें हैं, वन इज टेस्ट ऑफ डिटेल, आपको पता होना चाहिए टेस्ट ऑफ डिटेल का मतलब वाउचिंग करना और वेरिफिकेशन करना, ठीक है, या एनालिटिकल प्रोसीजर जिसमें वाउचिंग वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, जिसमें जो डेटाज हमको प्रोवाइड है उन्हीं डेटाज में रिलेशनशिप और देन हम कंपैरिजन करके चीजों को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो अभी ऑडिटर हैव टू डिसाइड कि भाई मुझे सिर्फ वाउचिंग वेरिफिकेशन से मेरा काम हो जाएगा, बड़ी एंटिटी है मुझे एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी लगाने चाहिए या सिर्फ वही लगाने चाहिए, इनका कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। द डिसीजन अबाउट विच ऑडिट प्रोसीजर टू परफॉर्म इंक्लूडिंग वेदर टू यूज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर इज बेस्ड ऑन, क्लियर बोल दिया, ऑडिटर का जजमेंट पे है। अब जजमेंट के पीछे रीजन वही, ऑडिट रिस्क को आप कम करना चाह रहे हैं और एक्सेप्टेबल लो लेवल पे आप ले जाना चाहते हैं, तो आपको ये डिसाइड करना है, आपके जजमेंट पे है कि एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करना है या नहीं करना है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से बेसिक मीनिंग आप सबके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, एनालिटिकल प्रोसीजर एनालिसिस करना है, दो चीजों के बीच का रिलेशनशिप देन कंपैरिजन कर देना है उसको। एकदम आसान सी बात है कि हम कुछ रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ ट्रेंड कैलकुलेट करेंगे, उसको हम प्रीवियस पीरियड से और हमारी फोरकास्ट से, इंडस्ट्री की अदर एंटिटी से कंपेयर करके देख लेंगे कहीं कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं है। सर फ्लक्चुएशन हुआ तो हमको देखना पड़ेगा फ्लक्चुएशन क्यों है, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई मिसस्टेटमेंट की वजह से फ्लक्चुएशन तो नहीं हो गया है, ये सब रीजंस हमको पता करने के लिए काम करना पड़ता है। ठीक है, अब आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाना तो चाह रहे हो, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने सोच लिया, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं एंटिटी के जो ये डिसाइड करेंगे कि आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे। इनमें सबसे पहला, आपके पास डेटा भी तो अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबल ऑफ रिलायबल एंड रिलेवेंट डेटा विथ फैसिलिटेट इफेक्टिव प्रोसीजर। याद रखिए यहां पे सारा काम जो डेटास पर है, हमको जीपी का डेटा चाहिए, सेल्स का चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल का चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का चाहिए, सब कुछ डेटास पे है। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका डेटा, आपके पास कितना अवेलेबल है, अगर डेटास अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ भी यहां पे नहीं कर पाएंगे। सेकेंड नंबर डिसएग्रीगेशन, द डिग्री ऑफ डिसएग्रीगेशन इन अवेलेबल डेटा कैन डायरेक्टली इफेक्ट द डिग्री ऑफ यूजफुलनेस इन डिटेक्टिंग मिसस्टेटमेंट। किस तरह के अलग अलग डेटाज आपके पास में अवेलेबल है, जीपी अपॉन सेल्स मैंने कहा, कॉस्ट ऑफ सेल और सेल्स भी अपन ले सकते हैं, तो जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटाज कितने आपके पास अवेलेबल हैं, एक आध डेटा आपको एक ही किस्म का मिल गया, एक ही टाइप का मिल गया, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। नाउ आपका अकाउंट का टाइप कैसा है, कई सारी चीजें एनालिटिकल प्रोसीजर पर्टिकुलर अकाउंट टू अकाउंट डिपेंड करेगी, जैसे सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर आर मोर यूजफुल फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देन फॉर अदर। इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स टेंड टू बी मोर प्रिडिक्टेबल, अब इनकम स्टेटमेंट जो है उनका प्रिडिक्शन ज्यादा बेटर हो सकता है, इस बार इलेक्ट्रिसिटी इतना आया नेक्स्ट टाइम इतना हो सकता है, इस बार सैलरी इतना दिया अगली बार उतना हो सकता है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं आगे वाले साल के लिए कि भाई अभी इतना है तो फोरकास्ट इतना हमने सोचा होगा और उसके हिसाब से हमने कंपेयर कर लिया, या हमने प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके देख लिया, या हमने पुराना बैलेंस शीट देख करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख करके एस्टीमेट लगा लिया। ठीक है, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट एक्युमुलेटेड ट्रांजेक्शन ओवर अ पीरियड,
वेयर एज बैलेंस शीट अकाउंट्स रिप्रेजेंट द नेट इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन एट द पॉइंट ऑफ टाइम और सब्जेक्ट टू ग्रेटर मैनेजमेंट जजमेंट. बैलेंस शीट या पिछली बार जितना कैपिटल था इस बार भी अगर हम लगाएं कि उतना ही रहा होगा तो उस बीच में कई सारे इश्यू हो सकते हैं, बायबैक हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, फर्क पड़ेगा. डेटर और क्रेडिटर का सोचें, देखो डेटर और सेल्स का रिलेशनशिप निकाल के आप कंपेयर करते हो तब तो समझ में आता है. सिर्फ डेटर डेटर का कंपेरिजन करना कई बार बहुत मुश्किल रहेगा. तो इनकम स्टेटमेंट आइटम्स मोर प्रिडिक्टेबल हैं इन कंपेरिजन विद अकाउंट बैलेंसेस, तो वो भी एक फैक्टर आपको ध्यान रखना पड़ेगा. देन सोर्स, सोर्स आपके पास कहां से आ रहा है. सम क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन टेंड टू बी मोर प्रिडिक्टेबल बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरियस सिमिलर ट्रांजेक्शन. रूटीन वाले ट्रांजेक्शन जो लगातार हर बार होने ही होने, उनका प्रेडिक्शन आप लगातार लगा पाओगे. लेकिन जैसा आपको मैंने कहा, कई बार जो अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी का मैंने आपको कहा प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है. अच्छा, जैसे कोई मोटर व्हीकल बनाने वाली कंपनी है और मोटर व्हीकल कंपनी बनाने वाले का मान लीजिए कुछ एक्सपेंडिचर होता है, आप जानते हैं वो सर्विस देते हैं, आफ्टर सेल सर्विस का उन्होंने एक प्रोविजन बनाया है, तो हम उसका बहुत आराम से एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि पिछली बार इतना था तो इस बार करीब करीब इतनी सेल हुई है तो इतना होना चाहिए. फिर हम देख लेंगे एक्चुअल के अंदर इतना नहीं है, इससे कम, बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, मोर है, तो इसका मतलब और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, प्रेडिक्शन लगा सकते हैं. अनयूजुअल मैटर्स है, कंपनी ने इस साल कोई एसेट सेल किया है मान लीजिए 5 करोड़ में. अब एसेट सेल किया, ये ट्रांजेक्शन हुआ ही पहली बार है, ना पिछली बार था ना आगे फोरकास्ट के अंदर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होने वाला है, तो ऐसे पे आप एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो नहीं लगा सकते. तो सोर्स, नाउ फिर से वही पॉइंट आया, प्रिडिक्टेबिलिटी कितनी है. सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर आर मोर अप्रोप्रिएट व्हेन एन अकाउंट बैलेंसेज और रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स और डेटा आर प्रिडिक्टेबल. फिर से मैं आपको वही कह रहा हूं बार बार, जैसे सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल का अपन कंपेरिजन कर पाएंगे, है ना, ट्रेड रिसीवेबल और कैश रिसीव का कर पाएंगे, तो प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप इज वन दैट मे रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट एंड कंटिन्यू ओवर टाइम. तो जब तक आप वो रिलेशनशिप का प्रेडिक्शन नहीं करोगे तब तक हमारा काम होने वाला नहीं है, तब तक हम रेशियो, हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो यूज नहीं कर पाएंगे. और कुछ इनहेरेंट रिस्क तो तब भी रहेगी. व्हेन वी आर डिजाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर टू एड्रेस एन इनहेरेंट रिस्क, मतलब व्हाट कैन गो रॉन्ग, वी कंसीडर द नेचर ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इफ अ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कैन बी यूज टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस. रिस्क को ध्यान में रख करके डिसाइड होगा कि एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करना है कि नहीं. व्हेन इनहेरेंट रिस्क इज हायर, बहुत ज्यादा इनहेरेंट रिस्क है तो ज्यादा डिटेल आपको चेक करना पड़ेगा. वी मे डिजाइन टेस्ट ऑफ डिटेल टू एड्रेस द हायर इनहेरेंट रिस्क. वही चीज अपनी होगी, डिपेंड करेगा. अगर जहां पे लगता है कि रिस्क बहुत ज्यादा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, वहां एनालिटिकल प्रोसीजर्स कम हो जाएंगे, हम ये अंदाजे वाला जो काम, प्रिडिक्शन वाला जो काम है वो कम कर देंगे और टेस्ट ऑफ डिटेल वाउचिंग वेरिफिकेशन ज्यादा करेंगे. अदरवाइज वाइज वर्सा हो जाएगा, अगर रिस्क कम है तो हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगा करके अपना काम कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है. तो मेरे हिसाब से इस बार एग्जाम में ये 5 फैक्टर्स हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा कितना है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. नाउ डिसएग्रीगेशन कितना हो रहा है, अकाउंट्स के कुछ टाइप पे एनालिटिकल लग सकता है, किस पे नहीं लग सकता है. सोर्सेज रूटीन नेचर के अगर हैं तो बहुत आराम से लग जाएगा, और जो नॉन रिकरिंग आइटम्स हैं कभी कभार होने वाले हैं उन पे लगाना मुश्किल है या नहीं लगा पाएंगे. कुछ रिलेशनशिप जो हैं प्रिडिक्टेबल हैं, कि अगर जैसे मैंने जीपी और सेल्स का आपसे बात कर दिया, प्रिडिक्टेबल है, एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया, ट्रेड रिसीवेबल और कैश का जो रिसिप्ट हमारा हो रहा है तो हमने एक अंदाजा लगा दिया, क्योंकि हर बार इतना कैश सेल्स होती है इतना क्रेडिट सेल होती है, एक रिलेशनशिप है. इस बार इतना गैप क्यों आया, कैश ज़्यादा क्यों हुई, या डेटर हमारे ज़्यादा क्यों हो गए, क्या बात है, क्रेडिट सेल इतना ज़्यादा क्यों करना पड़ गया, आपने को कोई फ्रॉड के चांसेस तो नहीं है इसके अंदर. तो जो चीज़ें अल्टीमेटली बात ये, जिन चीज़ों को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ज़्यादा या जिसके डेटाज आपको ज़्यादा अवेलेबल हैं, वहीं पर ये प्रोसीजर लगाना ज़्यादा ठीक है. या रिस्क पर डिपेंड है, याद रखिए रिस्क अगर ज्यादा है तो एनालिटिकल प्रोसीजर कम बनेगा, अदरवाइज वाइज वर्सा हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे, ठीक है. नाउ इसमें टेक्निक्स कौन सी यूज होती है, सबसे बढ़िया पार्ट है इसका, सबको याद होता है. सबसे पहला ट्रेंड एनालिसिस हम चेक कर लेते हैं. कॉमनली यूज टेक्निक इज द कंपेरिजन ऑफ करंट डेटा विद द प्रायर पीरियड बैलेंसेस, ठीक है, विद अ ट्रेंड इन टू और मोर पीरियड बैलेंसेस भी आप देख सकते हो कि लगातार आप एक बार ग्राफ देखते हो ना, 16-17 के अंदर, फिर 17-18 के अंदर, फिर 18-19 के अंदर, ये ग्राफ जो है वो ऐसे 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 इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर अचानक नीचे आ गया, इस तरह से जो भी आप ग्राफिकल काम करते हो. तो हम ट्रेंड चेक करेंगे कि भी क्या हो रहा है, सेल्स हमारी बढ़ रही है, ग्रोथ हमारी बढ़ रही है, कम हो रही है, ये एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रेंड चेक करना.
ठीक है। अब इन सबका ऑडिटर को यूज है, बिल्कुल ऑडिटर का यूज आएगा। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक मेडिकल स्टोर का मान लीजिए ऑडिट किया, ठीक है। अब मेडिकल स्टोर का जब अपन ऑडिट करने के लिए गए तो हमको पता लगा कि ट्रेंड उनकी सेल्स या प्रॉफिट का बहुत डाउन दिख रहा है ना, कभी एकदम हाई पे था और एकदम नीचे दिख रहा है। तो बट ऑब्वियस ऑडिटर हैव टू आस्क कि भाई क्या बात है, क्या ऐसा हो रहा है कि ये लोग जानबूझ के सेल्स को छुपाना चाह रहे हैं या और कुछ चक्कर है, क्या चीजें हैं। तो ऑडिटर जो है वो पूछेगा, स्केप्टिसिज्म यूज करेगा। तो हमारे पास एक रीजनेबल या जेन्युइन जवाब आ सकता है कि सर ऐसा है कि पहले हमारी सेलिंग बहुत थी, नाउ टाइम गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हुआ, गवर्नमेंट ने ये सारा मेडिसिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत लोअर कॉस्ट के ऊपर हॉस्पिटल में ही सेल करना शुरू कर दिया है। तो इससे हमारा कस्टमर उधर डाइवर्ट हो गया, अब बहुत रेयर वो मेडिसिन सेल हो रही है जिनमें हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे, इसलिए हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डाउन हो गया। दिस इज कॉल्ड ट्रेंड एनालिसिस, समझ रहे हैं बात को। तो ऐसे हम चेक करते हैं। नाउ रेशियो एनालिसिस सबको पता है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको दे दिए हैं। हाँ, रेशियोज हम निकाल लेते हैं। पहले तो जीपी रेशियो हमारा हो गया, डेब्ट इक्विटी रेशियो हो गया, या आप देख सकते हो रेवेन्यू या एक्सपेंसेस का, ट्रेड रिसीवेबल को सेल्स के साथ हम कंपेयर करके कई बार देख लेते हैं। और रेशियो जब हमारे पास में आ जाएंगे तो हम उसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे रेशियो एनालिसिस निकालने के बाद कंपेरिजन करना है। कंपेरिजन किसके साथ करना है, अपन ने बात कर ली। हाँ, अदर कंपनी ऑफ द सेम इंडस्ट्री के साथ आप कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर का जो आपका था उसके साथ भी आप कंपेयर, हालांकि वो ट्रेंड का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप कंपेयर करके देख लेंगे, फोरकास्ट के साथ आपने कंपेयर करके देख लिया, ये सब ध्यान रखना है। अब व्हाट अबाउट द रीजनेबल टेस्ट, इसमें वही जो मैंने आपको कहा था कि अगर 1,000 एम्प्लॉय में से हर एक की 10,000 होती है तो टोटल कितना होना चाहिए, इतना रीजनेबल लगता है। दिस एनालिटिकल प्रोसीजर, ये देखें आप यहां से, डज नॉट रिलाई ऑन इवेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड। इसमें हम प्रायर पीरियड से कोई कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं, हम नॉन फाइनेंशियल डेटा जो है उसको हम यूज करते हैं और देन हम फाइंड आउट करते हैं कि फाइनेंशियल डेटा कितने होने चाहिए। एक एग्जाम्पल दिया, ऑक्यूपेंसी रेट टू एस्टिमेट रेंटल इनकम। भाई मान लीजिए हम कमरे या घर किराए पे देते हैं, या कोई होटल है, अब होटल के कमरों का रेंट अपने को निकालना है मोटा मोटी कितना आया, तो मैं सारा चेक करूं बैठ के, या सिंपल मैंने देख लिया कि आपका ऑक्यूपाई का ऑक्यूपेंसी का रेट क्या है, कितना महीने कितना टाइम पे रूम आपका ऑक्यूपाई रहता है, उन्होंने बता दिया सर इतने टाइम इतना महीना हमने चेक कर लिया कि ऑक्यूपाई रहता है, उस हिसाब से एक कमरे का इतना रेंट होना चाहिए, इतना रेंट है, तो ऑन एन एवरेज इतना अमाउंट आपका साल भर में रेंटल इनकम का दिखना चाहिए। अगर उतना दिख रहा है तो हमको बहुत आराम से पता लग जाएगा कि हाँ सब कुछ यहाँ पे ठीक है ना। या इंटरेस्ट रेट टू एस्टिमेट द इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंसिस, रेट के हिसाब से अपन पता लगा सकते हैं है ना कि भाई इतना अपना लोन है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है तो आपका इतना इंटरेस्ट वहां पे दिखना चाहिए। तो डायरेक्टली आपने क्या किया, यही तो काम किया, रीजनेबलनेस टेस्ट कर लिया। तो इससे अपने को चीजें जो है वो बहुत आराम से पता लग जाएंगी। दिस इज कॉल्ड रीजनेबलनेस टेस्ट और स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। अब मॉडलिंग टूल कंस्ट्रक्ट अ स्टेटिस्टिकल मॉडल फ्रॉम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा ऑफ प्रायर अकाउंटिंग पीरियड टू प्रिडिक्ट द करंट अकाउंटिंग बैलेंसेस। फॉर एग्जाम्पल पुराने अनुभव एक्सपीरियंस के हिसाब से करंट का कुछ प्रिडिक्शन करना। अब एक लीनियर रिग्रेशन जैसे देखे रखा है, कॉमन लीनियर रिग्रेशन एग्जाम्पल क्या होता है कि आप किसी डॉक्टर के पास गए टेस्ट करवाने के लिए और आपको देख के ही डॉक्टर ने प्रिडिक्ट कर लिया कि भैया इसकी आंखें जो हैं वो येलो हो रही है, ऐसा ऐसा बॉडी के अंदर इसकी गड़बड़ दिख रही है, बहुत कमजोर लग रहा है, पतला दुबला लग रहा है, भाई तेरा हीमोग्लोबिन कम है। टेस्ट करा के देखा, सच में हीमोग्लोबिन कम ही आया। तो ये डॉक्टर ने आपको देख कर गया था, सेकेंड टाइम आप जब कराने गए तो डॉक्टर ने अपने पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल दिया भैया फिर हीमोग्लोबिन कम हो गया इसके अंदर। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। हाँ, अपन जानते हैं सब तरफ रिस्क तो ही है, गलत भी हो सकता है। कई बार ऐसा हुआ कि हमने पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल तो दिया कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, टेस्ट कराया तो पता लगा कोई और डिजीज हो गई है, डेंगू हो गया है, इस वजह से ही हो रहा था। तो ये भी एक तरीका है कि हम पुराने के हिसाब से एक प्रेडिक्शन यहाँ पे डाल देते हैं। तो एनालिटिकल प्रोसीजर में ये सारे तरीके हम यूज में लेते हैं। सबका अपना एक लिमिटेशंस है, वो भी आप अच्छी तरह से जानते हो। तो ये सब टेक्निक्स याद रखनी है आपको। नाउ जब कोई अनयूजुअल फ्लक्चुएशन आपको दिख रहा है, जो आपने सोचा था और जो एक्चुअल के अंदर है उसके अंदर, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, हाँ मैनेजमेंट से तो इंक्वायरी करना चाहिए आपको सबसे पहले तो, कि सर रेस्पॉन्स दीजिए ये चीज़ें हमको इतना फ्लक्चुएशन क्यों आया, जैसे अभी मेडिकल वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर आपको लगाने चाहिए। अगर मैनेजमेंट से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है तो सीधी सी बात है अपनी खत्म हो गई। मैंने आपको कहा था एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट और भी हो सकता है, क्या पब्लिक सेक्टर की जो एंटिटीज हैं, जो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर है, पब्लिक कंपनीज नहीं पब्लिक सेक्टर, वहां पे भी ट्रेंड एनालिसिस लग सकता है क्या? तो लगा तो सकते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स ट्रेडिशनली कंसिडर्ड इन द ऑडिट ऑफ बिजनेस एंटिटी, ठीक है। लेकिन खास बात समझे,
may not always be relevant in the audit of government or other non-business public sector entities. हो सकता है कि आप ये कंपैरिजन बिजनेस मतलब गवर्नमेंट एंटिटीज पे भी लगा दें, सेम तरीका, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि जो पब्लिक सेक्टर की एंटिटीज हैं, कुछ बिजनेस वाली और कुछ नॉन बिजनेस वाली भी, वहां पे भी हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगा पाए, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। आगे देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल, कई सारे पब्लिक सेक्टर एंटिटीज ऐसे हैं, मे बी लिटिल डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, डायरेक्टली रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का उनका डायरेक्ट रिलेशन है, इतना रेवेन्यू हुआ, इतना उन्होंने पैसा खर्च कर दिया। अब इसमें कहीं पर भी, जैसे अपने यहाँ पे जो फ्लड वगैरह के मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, अब उसको कंपैरिजन बहुत कई बार मुश्किल होगा, कई जगह पे कई बार फ्लड पड़ा, आई नहीं आई, सूखा हुआ नहीं हुआ, पैसा इकट्ठा था, मान लो रिलीफ फंड से हमने खर्च कर दिया, तो उसके लिए कई बार हमारे लिए ऐसा कंपैरिजन करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सर हम प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन कर लेंगे, इस बार कितना हुआ, तो उसमें कंपैरिजन कई बार मुश्किल होगा, क्योंकि टैक्स पेयर जो है वो लगातार तरीके से बढ़ सकते हैं आपके, तो आप उसमें कंपैरिजन करना कई बार मुश्किल भी हो सकता है। इन एडिशन, बिकॉज एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ एसेट मे नॉट बी कैपिटलाइज, देयर मे बी नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन, फॉर एग्जाम्पल, इन्वेंट्रीज एंड फिक्स असेट्स एंड द अमाउंट ऑफ दोज असेट्स रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कई बार कुछ इन्वेंट्रीज हमारी ऐसी हैं, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर एंटिटीज है, ठीक है, तो इनके अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं। अब आप सोचो, खास करके सुनना, जैसे अगला पॉइंट भी मैं साथ में लेता हूँ, कई बार कंपेटिटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी नहीं। गवर्नमेंट के कई सेक्टर ऐसे हैं जिनमें कोई दूसरी इंडस्ट्री है ही नहीं, रेलवे हो गया, अब आप रेलवे का देखना चाह रहे हो तो आप कैसे कंपेयर करोगे, हम दूसरी इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे, दूसरी इंडस्ट्री कोई होगी तो कंपेयर करोगे ना आप, है ना। आर्म्स बनाने वाली अगर कोई है, चलो आर्म्स तो अभी प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ गया, न्यूक्लियर का अगर कोई भी प्रोजेक्ट है, चंद्रयान वगैरह जैसे अपना कोई प्रोजेक्ट है, हम उसका आप ऑडिट कर रहे हैं, आप उसको कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, सर हम अमेरिका से कंपेयर कर लेंगे, नॉट पॉसिबल है, क्योंकि सिचुएशंस अलग अलग हैं। तो कई बार आपको इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल, अपन ने कहा था ना डेटाज अवेलेबल होने चाहिए या रिलेशनशिप होना चाहिए, ऐसा कोई डेटा या रिलेशनशिप नहीं है तो कैसे होगा। प्लस कई जगह पे गवर्नमेंट जितना पैसा पब्लिक से लेती है उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है अपनी पॉकेट से, जैसे अपना वाटर है, तो वाटर का बिल कभी उठा करके देखिएगा, हमारा शेयर से ज्यादा गवर्नमेंट शेयर है उसके अंदर, तो इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो वहां आप इस तरह का एनालिटिकल प्रोसीजर कई बार नहीं लगा पाएंगे। ये हम आपको यहां समझाना चाह रहे हैं, लगा सकते हैं लेकिन हर बार यूजफुल और ऐसा जरूरी नहीं है। हाउएवर, कुछ रिलेशनशिप जो है वो रिलेवेंट भी, हम ये भी नहीं कह रहे, मैंने आपको कहा मे और मे नॉट, कई बार कंपेरिजन हो भी सकता है, जैसे इन द कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन। अब कोई रोड बन रही है, मान लीजिए कोई नेशनल हाईवे बन रहा है, मान लीजिए राजस्थान में बन रहा है कहीं एक जगह पे, अब उसके किलोमीटर पर किलोमीटर की कॉस्ट को हम सेम राजस्थान में ही कहीं और अगर बन रहा है, दो अलग अलग एरिया में, उससे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे है तो किसी और स्टेट में अगर बन रहा है तो उससे कंपेयर कर सकते हैं कि जब यहां 1 किलोमीटर की कॉस्ट इतनी आई तो आपके वहां 1 किलोमीटर की कॉस्ट इतनी क्यों आई, क्या रीजन उसके रहे, कहीं कोई पैसा मार तो नहीं रहा है बीच के अंदर, या वाकई में सिचुएशन के हिसाब से पैसा ज्यादा लगा है, वो कंपैरिजन एक हो सकता है। या नंबर ऑफ व्हीकल एक्वायर कंपेयर विद व्हीकल रिटायर, कई बार गवर्नमेंट नई व्हीकल्स परचेस करती है, पुरानी को एब्सोल्यूट को हटाती है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि भी हर बार कितने साल पुरानी व्हीकल्स को आप हटाते हो, कितनी नई एक्वायर करते हो, गवर्नमेंट कैसे उस पर पैसा खर्च करती है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी जहां एनालिटिकल प्रोसीजर लग सकता है। याद रखिए, ये तभी लगता है जब दो चीजें हो, रिलेशनशिप हो, साथ में हमारा कंपैरिजन हम कर पाए, तभी ये अपना लगेगा, अदरवाइज लगने वाला नहीं है। फिर अगर रिस्क बहुत ज्यादा है तो फिर आपको टेस्ट ऑफ डिटेल पे ही जाना पड़ेगा। टेस्ट ऑफ डिटेल या इसका कॉम्बिनेशन कैसे करना है, ये सब ऑडिटर के जजमेंट पर डिपेंड करेगा। चलिए जी, तो ये जो खास बात मुझे आप लोगों से करनी थी वो यहां पर मैंने आपसे कर ली। मैं फिर से आपको बोलूंगा, बहुत सिंपल है, SA520 यहाँ हम कंपैरिजन, रिलेशनशिप और कंपैरिजन लगाते हैं, उसके थ्रू हमारे कुछ प्रेडिक्शंस हैं जिसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। एग्जाम के हिसाब से मैंने आपको कहा था फैक्टर्स वाला जो हमारा पॉइंट था, इसमें डेटाज अवेलेबल होंगे, डिसएग्रीगेशन होगा कि नहीं होगा, हाँ वो सब वाला जो है वो आपको प्रेडिक्टेबिलिटी कितनी होगी वो सब आपको पढ़ करके जाना चाहिए। और साथ में इसके टेक्निक्स तो खैर बहुत ईजी हैं, ट्रेंड एनालिसिस हो गया, या रेशियो एनालिसिस है, या रीजनेबलनेस का टेस्ट है, विद एग्जाम्पल आप लिखेंगे तो और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग आपको मैंने बता दिया, लीनियर रिग्रेशन जिसमें हम प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ प्री डिटरमाइन करते हैं और चेक करते हैं कि ऐसा है कि नहीं है, जहां डिफरेंस लगेगा उसके ऊपर हम अलग से प्रोसीजर जो लगाने हैं वो हम लोग लगा देंगे।
ठीक है, फिर गवर्नमेंट सेक्टर पे लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, जहां डेटाज अवेलेबल हैं, जहां कंपैरिजन अवेलेबल है, जहां रिलेशनशिप अवेलेबल है, वहां लगा पाएंगे। अदरवाइज कई बार कंपटीशन में कोई है ही नहीं, या दूसरी इंडस्ट्री में कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ये लगाना हमारे लिए मुश्किल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए जी, तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर था, आपको जरूर पढ़ करके जाना चाहिए, और जल्दी आपसे वापस मिलूंगा। अगला जो चैप्टर है हमारा उसके रिवीजन के साथ में, इसको तैयार करिएगा। ऑल दी बेस्ट, तैयारी करते रहिए। थैंक्स अ लॉट।